हेलो फ्रेंड्स, इस वाइम वेलकम बैक टू माय चैनल मैकेनिकल बाय चॉइस। तो मैं आज मिला हूँ मेरा स्कूल लाइफ का फ्रेंड साजिद के साथ। तो भाई ने एक महीना पहले गाड़ी लिया था, टाटा टियागो एक्सेट, एंड एक्सेट मॉडल है ये, ठीक है। तो ये टॉप मॉडल में है, टाटा टियागो पेट्रोल वर्सन लिया है। भाई गाड़ी कितने का पड़ा है बोलो? 7 लाख का। 7 लाख का आया है गाड़ी, एंड गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है मस्त है। मैं गाड़ी अभी चला के देख लिया हूँ, इंडस्ट्रियल पार्क आया हूँ तो गाड़ी को भगा के देख लिया है। मतलब ABS वर्किंग वेरी गुड। एंड भाई माइलेज कितना निकलता है लोकल में? लोकल में 16-17 और हाईवे में? हाईवे में 20। और भाई भाई ने टॉप स्पीड कितना उठाया हो? 140 140 टॉप स्पीड भाई ने उठाया है, लेकिन इससे आगे भी जाएगा। लेकिन ABS अच्छा काम करता है, मैं ब्रेक मार के देखा हूँ। एंड चलिए गाड़ी का इंजन खोल के दिखा देता हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओके, इंजन जो 1200 cc में है, एंड देख लीजिए इंजन पूरा। एमरॉन का बैटरी के साथ इंजन आता है। गाड़ी का लुक्स देखिए, दूर से दिखा रहा हूँ। एंड चलिए इसके अंदर चल के देखते हैं कि गाड़ी में क्या क्या है, अंदर का डैशबोर्ड का लुक्स। तो ये है आपका पावर विंडो का स्विच, एंड ऑटोमेटिक एडजस्टेबल लुकिंग ग्लास। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील विथ म्यूजिक कंट्रोल एंड AC। इधर है कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम। ये है AC मैनुअल कंट्रोल। एंड ये भाई इसके अंदर मैनुअल कंट्रोल ही है ना? हाँ, इसके साथ ये है गियर एंड ये है हैंड ब्रेक। एंड इधर आपका कप रखने की जगह मिल जाएगा, एयरबैग से। हाँ, दो एयरबैग के साथ आता है ये, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, इधर बहुत स्पेस है, बहुत सा स्पेस है। एंड ये है इसका डिजिटल मीटर। तो गाड़ी को अभी चालू करके देखते हैं कि कैसे चालू होता है। ये है इसका की। ओके, तो इधर पे इधर से डालने पर गाड़ी का एवरेज शो कर रहा है 14.8। एंड गाड़ी टोटल 1200 किलोमीटर चला है ट्रिप ए में, टोटल नहीं, गाड़ी ट्रिप ए में 1200 किलोमीटर चला है, एवरेज शो कर रहा है 14.8। एंड इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी नहीं शो कर रहा है क्योंकि गाड़ी बंद है। इधर आपको RPM मीटर मिल जाएगा। ओके, ये पेट्रोल गाड़ी है इसीलिए 8000 RPM मूल्य है। तो इसके साथ आपको सब इंडिकेशन मिल जाएगा इधर, जो टेम्परेचर इंडिकेशन, जो गाड़ी का मोबिल फिल्टर चेंज, मतलब ऑयल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर एंड डोर इंडिकेटर ऑल्सो। उसके साथ इंजन में कोई प्रॉब्लम होगा तो ये दिखा देगा आपको, या फिर सिस्टम में। इसके साथ ये है स्पीडोमीटर एंड नीचे है फ्यूल गेज। ओके, एंड गाड़ी में काफ़ी स्पेस है, देखिए पीछे बहुत स्पेस है। एंड ये है आपका सब लाइट्स की कंट्रोल्स। तो ऐसे आपका लाइट जलेगा, बंद होगा इसको घुमाने पे। एंड इससे हाई बीम लो बीम होता है। एंड ये है वाइपर कंट्रोल्स। बैक में भी वाइपर है। एंड ये है वाइपर कंट्रोल। एंड म्यूजिक सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। चलिए गाड़ी का बैक लुक देख लेते हैं, ठीक है। एंड फ्रंट लुक हेडलाइट जला के रात को। यह है इसका फ्रंट लुक। एंड रात को कुछ ऐसा दिखता है, ये लो बीम पे है। एंड ये टॉप मॉडल है, इसके लिए आपको एडिशनल लाइट भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करके गाड़ी को दिखा देंगे, इसमें नहीं किया, स्टार्ट करके दिखा दूंगा। और उसके साथ इसका जो रिव्यू है, मतलब साजिद को कैसा लगा है एक दो महीना बाद, और सर्विसिंग कॉस्ट कितना पड़ा है, उसके ऊपर डिटेल रिव्यू और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं लेके आऊँगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद वाला कोई वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल बाय चॉइस को। बाय।